तुलसी, होली बेसिल, वृंदा, वैष्णवी, ऑसमम सेक्टम, बहुत सारे नाम हैं इस प्लांट के। तुलसी मोस्ट पॉपुलर प्लांट है और हर घर में होता है। तुलसी इज़ अ पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सालों साल जीवित रहते हैं। तो तुलसी एक पेरेनियल प्लांट होने के बाद भी हमारे घर में हर साल मर क्यों जाता है? जैसे ही विंटर्स स्टार्ट होती है, ये प्लांट सूखने लगता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी पानी डालें, खाद डालें, ये प्लांट सूख ही जाता है। और फिर हम दुखी हो जाते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि तुलसी हमारे घर में नहीं पनपती। सो एक्चुअली तुलसी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि तुलसी का प्लांट क्यों सूख जाता है और हमें उसे बचाने के लिए क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। तुलसी एक ट्रॉपिकल प्लांट है, मतलब हाई टेम्परेचर या गर्मी में रहने वाला पौधा है। तुलसी के लिए आइडियल टेम्परेचर 18 टू 35 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इस टेम्परेचर रेंज के, यानी कि 18 टू 35 डिग्री सेल्सियस के बाहर जाता है, तो ये पौधा प्रॉब्लम में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब विंटर्स में टेम्परेचर ड्रॉप होता है, 16 डिग्री 15 डिग्री होता है, तब ये प्लांट सूखने लगता है। और एंड सेम केस इन मई जून, जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को टच करता है, तो इन दोनों ही कंडीशंस में प्लांट की लीव्स बर्न होने लगती है, ब्लैक होने लगती है, छोटी होने लगती, प्लांट सूख जाता है। सो इन दोनों ही कंडीशंस में अगर हम प्लांट को किसी शेडेड एरिया में रखें, मतलब डायरेक्ट बाहर ना रखें, या किसी भी शीट से कवर कर ले, तो ये प्लांट बच सकता है। बट सिर्फ कवर करने से कुछ नहीं होगा। आपको थ्रू आउट द ईयर कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी हैं जिनसे आपका प्लांट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और सारे सीजन्स में आराम से सर्वाइव करेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज पॉट साइज। प्लांट ऊपर जितना बढ़ता है, उसकी रूट्स भी उतनी ही तेज़ी से फैलती हैं। और तुलसी की रूट्स तो वैसे भी बहुत तेज़ी से फैलती है, तो इसको एक बड़ा पॉट चाहिए, एटलीस्ट 12 इंचेस का। अगर आप डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्लास्टिक का या सेरेमिक का पॉट लाते हैं, तो इट्स ओके, चलेगा, लेकिन वो पॉट बड़ा होना चाहिए। नाउ आई टेल यू द रीज़न बिहाइंड दैट। जब भी हम पेड़ों में पानी डालते हैं, तो उस पानी को रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर जाइलम नाम का एक टिश्यू इस पानी को पूरे प्लांट में सप्लाई करता है, लाइक लीव्स में, ब्रांचेस में, स्टेम में जाइलम पहुंचाता है। अगर मेरा पॉट का साइज़ बड़ा है, तो रूट्स अच्छे से स्प्रेड होंगी, उन्हें अच्छे से स्पेस मिलेगी, और वो बहुत अच्छे से पानी अब्सॉर्ब करेंगे, और फिर बाकी का प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा। उसी जगह पे अगर मेरे पॉट का साइज़ छोटा है, तो रूट्स अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं है, तो वो आपस में बंध जाएंगी, बिल्कुल जकड़ जाएंगी, जिसको रूट बाउंड कहते हैं इस तरीके से। और तब वो पानी को भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो पानी प्लांट को मिलेगा नहीं और प्लांट डल हो जाएगा। सो इसलिए कुछ भी हो जाए, पॉट का साइज़ बड़ा रखिए। अगर आपने पॉट का साइज़ छोटा रखा है, तो हो सकता है कि कुछ दिन या एक सीज़न तक ये पेड़ अच्छा रहे, लेकिन उसके बाद ये मर जाएगा। सो पॉट का साइज़ बड़ा होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाटरिंग। तुलसी में पानी देते समय इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर वन, तुलसी को बहुत ज़्यादा पानी तो बिल्कुल भी नहीं दीजिए, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसको गर्मी ज़्यादा पसंद है, तो मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, बस कीचड़ नहीं होना चाहिए। नंबर टू, आप हमेशा मिट्टी को या सॉइल को टच करके चेक करो, अगर ऊपर की मिट्टी में थोड़ी सी भी नमी है, तो पानी मत दीजिए। क्योंकि अगर ऊपर की मिट्टी में थोड़ी सी भी नमी है, इसका मतलब नीचे की, यानी कि अंदर की मिट्टी में और ज़्यादा नमी होगी। बट ऑब्वियस है कि एवोपरेशन की वजह से ऊपर की मिट्टी जल्दी सूख जाती है। तो नीचे ऑलरेडी नमी है, आपने और पानी डाल दिया, तो पानी ज़्यादा हो जाएगा और ओवर वाटरिंग की वजह से रूट्स गल जाएंगे। सो अगर आपने जब भी पानी डाला है, उसकी एक दो दिन में चेक कर लीजिए, जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी पानी दीजिएगा। नंबर थ्री, एक बहुत बड़ा मिथ है कि तुलसी में डेली पानी डालना चाहिए संडे छोड़ के, ये बिल्कुल गलत है। तुलसी या किसी भी पौधे को पानी उस
पौधे की सॉइल की कंडीशन के अकॉर्डिंग देना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत तेज़ धूप आती है, 7-8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए आती है, तो ऑब्वियसली है कि आपके पॉट की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाएगी। उसी जगह पे अगर किसी की बालकनी में सिर्फ 2 घंटे के लिए धूप आती है, तो उनके घर में जो सॉइल है वो 3 से 4 दिन में सूखेगी। तो कोई पानी डेली डालेगा और कोई 3 से 4 दिन में डालेगा, डिपेंड्स कि उनकी सॉइल की कंडीशन क्या है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज़, इफ़ पॉसिबल जब भी आप पानी डालें, हो सके तो ऊपर की जो सॉइल है 1-2 इंच की, उसको प्लीज़ लूज़ कर लीजिए किसी भी टूल से, खुरपी से या स्पून से, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे सॉइल को लूज़ कर लीजिए, मतलब गुड़ाई कर लीजिए। इससे क्या होगा, सॉइल में एरेशन अच्छा होगा, प्लांट हरा भरा होगा। दूसरी चीज़, आप जब सॉइल को लूज़ कर लेंगे तो पानी बहुत अच्छे से और बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होगा। और एक और बात, अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो जो ऊपर की टॉप सॉइल है वो बिल्कुल पत्थर बन जाएगी और पानी का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 5th, पानी हमेशा अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में देना है। कभी भी दोपहर में जब धूप पड़ रही हो आपके प्लांट के ऊपर तो पानी मत दीजिए, क्योंकि उस कंडीशन में सॉइल गर्म होती है, वो पानी को गर्म कर देती है, और वो पानी जब प्लांट्स को मिलता है तो लीव्स बर्न हो जाती हैं। तो ये बातें वाटरिंग के लिए थी। नाउ जो अब मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का प्लांट पूरे साल भर हरा भरा रहे और विंटर्स में भी उतना डल ना हो, तो आपको प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग का मतलब कटाई छटाई। ये 2 तरीके से होती है। पहली फ्लावर्स की, यानी मंजर या मंजरी आप जो भी बोलते हैं उनकी, और दूसरी है पत्तियों की, यानी कि लीव्स की। तो तुलसी के जो फ्लावर्स होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो सीड्स बन जाते हैं, और ये सारे सीड्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो तुलसी का प्लांट सूख जाता है, क्योंकि उस मदर प्लांट का, यानी कि ओरिजिनल प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। या यूँ समझ लीजिए कि तुलसी का प्लांट अपनी सारी एनर्जी अपने सीड्स को मैच्योर करने में लगा देता है, तो उसकी, तुलसी प्लांट की अपनी ग्रोथ रुक जाती है। तो जैसे ही सीज़न चेंज होता है ये प्लांट सूख जाता है। तो आपको जैसे ही ये मंजर आप देखें, ये मंजरी जो फ्लावर्स होते हैं, आप प्लीज़ उनको मैच्योर होने के पहले ही तोड़ दीजिए। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ लीव्स की प्रूनिंग। तुलसी में या सभी पौधों में एक ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है, जिसकी टेंडेंसी होती है स्टेम्स को बढ़ाना। तो अगर हम टिप से लीव्स को काट देंगे तो लीव्स की ग्रोथ वहाँ पर रुक जाएगी और बाकी जगह पर इसकी ग्रोथ होने लगेगी। तो हमने क्या किया, प्लांट को लंबाई की जगह इसको फैलाने के लिए प्रूनिंग कर दी है लीव्स की। तो अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल हरा भरा रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ फर्टिलाइज़र। तुलसी के प्लांट में फर्टिलाइज़र की एज सच कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि ये अपने सीज़न में, यानी कि समर्स में बहुत अच्छे से ग्रो होता है अगर आप अच्छे से पानी दे रहे हैं, और विंटर्स में हमें वैसे भी फर्टिलाइज़र देना ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बाकी प्लांट्स में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप तुलसी में भी दे दीजिए, मंथ में एक बार अगर देते हैं, बट कोई भी केमिकल नहीं डालना है। आप गाय के गोबर की खाद, यानी कि काउडंग केक या सरसों की खली, ये दोनों फर्टिलाइज़र डालना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आपको गाय का गोबर या कंडा उपला, जो भी आप बोलते हैं, उसे डायरेक्टली नहीं डालना है, वरना कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसको डिकम्पोज करके ही डालना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है पेस्टिसाइड। तुलसी के पौधे में कीड़े लगना एक बहुत ही अबनॉर्मल बात है, क्योंकि तुलसी खुद ही एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है। को कीड़े तभी लगेंगे जब इसकी या तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो, मतलब आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है या पानी नहीं दिया है, प्लांट स्ट्रेस में है, तभी कीड़े लगेंगे। तो इस केस में भी आपको केमिकल नहीं देना है, नीम ऑयल का स्प्रे बना के स्प्रे करना है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लाइक नीम ऑयल एंड काउडंग केक से का फर्टिलाइज़र एंड सरसों का फर्टिलाइज़र, ये तीनों ही चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं।
तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और मैंने ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर आपका प्लांट पुराना है, उसने कई सीजन्स देखे हैं, तो अगर आप उतनी भी केयर नहीं करते हैं तो चलेगा। लेकिन अगर आपका नया प्लांट है, इस साल आप नर्सरी से लाए हैं या आपने सीड से इस बार ही उगाया है, तो प्लीज़ आप ये सब करिए, आपका प्लांट नहीं मरेगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट तुलसी प्लांट, हाउ टू सेव दिस। बाय बाय एंड टेक केयर।